बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पहली बार जब से मैंने अपना ये स्लीपिंग शेड्यूल स्विच किया है दी अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज ऑल्सो वर्क विच मीन्स के हो ये रहा था कि मैं सुबह सुबह तक जाग तो पा रहा था थ्री टू फोर ए एम बट उठने में मेरी हालत खराब हो जा रही थी बट इस बार क्या हुआ कि मैं ठीक है चलो मान लो ठीक है सही टाइम पे उठा तो नहीं हूँ मैं मैं सोया जो हूँ देखो चार या पाँच बजे उठा मैं अभी नाइन ए एम पे हूँ लेकिन मैं वन पी एम पर फिर से सो गया रह रहा हूँ फोर पी एम अब जाके उठ रहा हूँ दैट मींस कि मैं दोपहर में फाइनली एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सो पाया विच मीन्स कि अब रात में हो सकता है इंशाल्लाह कि मैं सिर्फ़ एक या दो घंटे की नींद पे सर्वाइव कर लूँ और फिर कल दोपहर बहुत लंबी वाली एक नींद ले लूँ दैट इज़ द होल पॉइंट एंड अब रमज़ान इज़ बिल्कुल सामने आ गया है ठीक है बस चांद निकलने का इंतजार है मतलब लिजिट मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है कि कब से शुरू होने वाला है लेकिन बस ऐसा है भाई बस बस चांद आ जाए सामने और फिर मतलब शुरू बी रेडी रेडी टू गो तो उस हिसाब से हम लोग बहुत ही अच्छी पोजिशन में हैं इस वक्त एंड टर्म्स ऑफ वर्क वर्क इज़ गोइंग रियली रियली फाइन एंड हम लोगों का एक क्लाइंट कॉल है मेरे सारे यू के क्लाइंट इतने खुश हैं ना इस वक्त इतने खुश हैं वो लोग क्योंकि भाई मेरा पूरा स्लीपिंग शेड्यूल ही उल्टा हो गया है अच्छा पहले दिक्कत ये हो रही थी कि वो भी जल्दी उठते थे मैं भी जल्दी उठता था तो हम दोनों का टाइम जोन बहुत अलग अलग था लेकिन अब क्योंकि मैं रमज़ान की वजह से पूरे शिफ्ट हो गया हूँ तो मैं उनके टाइम जोन में चला गया हूँ एक तरीके से दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड वी आई ऑल्सो हैव अ क्लाइंट कॉल कमिंग अप आज शाम में तो मुझे उनके साथ कॉल पे जाना है एंड सो आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट अभी ट्वेंटी आज तीन चार कॉल्स हैं जो अटेंड करनी है एंड अलहदुल्ला आई फील फ्रेश क्योंकि यू नो यूजली क्या हो रहा होता है कि जब आपको नींद नहीं आई होती सही से तो यू आर वेरी वेरी प्रोन ट्विटिंग जंक तो अलहमद ला मैंने ऐसा कुछ जंक वगैरह नहीं खाया है Although दो तीन दिन से मैं बाहर से बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर कर रहा था लेकिन मैंने दो तीन दिन से जो बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा था उसके बावजूद भी माई वेट हैज़ स्टेड वियरली द सेम ठीक है पता नहीं क्यों बट इट्स इज डेड एंड ऑन द अदर हैंड ऑफ थिंग्स आई गेस मुझे जिम फिर से शुरू करना है क्योंकि आई वॉन्ट टू बी एबल टू पुट इन टू अफेक्ट द प्लान दैट आई है अब यार ये तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को ये मैं दो दिन पहले मैंने सोचा था मैं तो आपको बताऊँगा एक दिन पहले लेकिन अभी जब मैं बोल रहा था तब तो मुझे रियलाइजेशन हट के किया ये इन्फॉर्मेशन की जो बैकड्रॉप मैंने दी ही नहीं है कि आई फाइनली गॉट माई सेल्फ पर्सनल ट्रेनर आफ्टर थ्री ईयर्स ऑफ ट्राइंग टू इट ऑन माई ओन एंड एटी परसेंट दाइनल ट्वेंटी परसेंट के जो कुछ है उसके लिए फाइनली गॉटन माई सेल्फ लाइक अ ट्रेनर यू मे नो हेम एकांश तनेजा फि रियली गुड गा चिल प्लान गो एंड फॉलो आउट हिस्स प्लान मसला थोड़ा सा ये है कि रमज़ान आ रहा है दैट मीन्स कि आई वुड मोस्ट प्रॉबली हैविंग दो से तीन मील्स बट अच्छी बात यह है कि उस बंदे ने ऐसे बना के दिया टाइप लाइन की जो मैं पहले से ही चीज़ें खा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट बट ही है आप कितना ही ओवर लोड कर पाएंगे यहाँ से एंड सो आई प्रॉब्ली बी वर्किंग विद इन फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व वीक्स एंड अच्छी बात यह है कि सेट की देखो तुम्हारा कोई ऐसा चेंड में गोल तो नहीं है विच इज नॉट आई डोट वॉन्टी बॉली बिल्डर लेकिन ही सेट कि तुम बॉडी बिल्डर की तरह एक बार ट्रेन करके देखो राइट लाइक गो द डिस्टेंस फिर तुम्हें पता तो लगेगा कम से कम कि तुम्हें क्या करना है लेकिन अभी तुम्हारा गोल नहीं है लाइक हाउ डू यू नो यू डोंट वांट टू बॉडी बिल्ड एंड आई वाज लाइक शिट ये तो मेरी वाली बात कह रहा है जो मैं लोगों को करियर को लेके कहता हूँ लाइक like, यार हाँ यार बात तो सही कह रहा है <laughs> तो वी वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू गो दैट काइंड ऑफ अ डिस्टेंस बट अब क्योंकि यू नो यू हैव लाइक अ गाइड हुज हैंडलिंग अ लॉट ऑफ इट तो वो काफ़ी ज़्यादा तो हेल्पफुल तो है आई थिंक यार बहुत हेल्पफुल होता है यार इफ़ इफ़ यू हैव मनी जस्ट हायर अ ट्रेनर फॉर एवरीथिंग राइट इतना आसान हो जाता है ना आपकी वो पूरा वो जो थाट प्रोसेस है यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड आई वॉज वॉचिंग दिसमोजी वीडियो वेरी सेट के द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इज नॉट योर टाइम इट्स एक्चुअली योर अटेंशन क्योंकि टाइम तो आप माइंडलेसली भी अगर गुजारेंगे तो इज़ गोइंग टू पास एनी वे

लेकिन रात, yeah, रात में तो मैं किसी की कॉल नहीं करता व्हेन आई एम वर्किंग तो मैंने सबको रिक्वेस्ट कर रखा कि प्लीज डोंट कॉल मी तो इसी वजह से आई आई एम लिटिल नंबर आई एम लिटिल इस वजह से आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम एट दिस आई एम नॉट ऑन आई डोट वट्स एप दैट मच आई यूज टेलीग्राम ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड क्योंकि ये तीन चीज़ें मेरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है एट इज दैट सो ट्राई टू रेगुलेट यूर अटेंशन अगर आपको लग रहा है कि यू नो यू फीलिंग बर्न आउट क्योंकि अगर आपका अटेंशन इतना ज़्यादा स्प्रेड थे ना देन जो भी दिक्कत आएगी ना यू वुड ऑलवेज बी लाइक अरे यार ये हो गया अरे यार ये हो गया एन द रीजन दैट बिकॉज आपका अटेंशन बचा ही इतना कम है आपके पास कि आप डिफिजेंट में चले गए हो so if you're feeling a lot stressed out it's probably because you're paying attention to something and you know you should perhaps take the time like instead of focusing on new things you're focusing on anything new your job, is things like bad just try to figure it out that, what are your attention that solve them or cut them off don't you know don't feel guilty about prioritizing your attention that's literally the most expensive resource that you have and uski koi bhi value nahi laga sakta you know agar koi rishta aapko drain kar raha hai ya phir koi particular task jo aapko drain kar raha hai ek mera agar padhai hai jo aapko drain kar rahi unnecessarily then actually you need to sit down and figure it out yaar is it even worth it so that's your most important human resource एक बार वो deplete हो गया फिर उसके बाद you you you're going to be functioning at a deficit and you know how long do you think you can function like that at the end of the day hai na तो इसी वजह से यर अटेंशन इज रियल इम्पॉर्टेंट आश कैड टैट आउट होल इक्वेशन मेरे लिए एटलीस्ट लाइक आई डोंट टू थिंक अबाउट इट लाइक आई नो कि हाँ भाई मेरे को जाना है मेरे को ये वर्कआउट करना है और uh, मुझे ये बताना कि मैंने कितना पानी पिया क्या वेट था क्या ये था क्या 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 ये थाट्स द प्लान एवरी थिंग सो बोर्ड दी इन्वेस्टमेंट देर ऑल दट आई टूडे अब टाइम हो रहा है मीटिंग का पंद्रह मिनट के बाद